चैप्टर सिक्स रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, रेखाओं के बारे में आप जानते हैं क्या? किसे कहते हैं रेखा? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा जो नॉन स्टॉप इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है, कोई अंत बिंदु नहीं है। इस रेखा में आपको दिख रहा है क्या अंत बिंदु? कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ भी एरो का चिन्ह है और इधर भी एरो का चिन्ह है, नहीं है। तो एंड बिंदु नहीं है इसका, कहीं भी एंड पॉइंट नहीं है। अनंत तक इसका जो है विस्तार चल रहा है, जहां तक भी आप इसको बढ़ाना चाहें असीमित रूप से आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई की कोई वो नहीं है, अंत नहीं है। तो कहां जाकर के रुक रही है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20, 25, 30, कोई लिमिट नहीं है। कहीं तक भी आप इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ये कहलाती है रेखा। अब रेखा ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर इसमें एक शब्द और जुड़ता है खंड, रेखा खंड, अगर एक शब्द हम और जोड़ दें, खंड और लगा दें इसमें, तो रेखा खंड हो गया। अब खंड का, रेखा का मतलब तो ये रेखा हो गई। खंड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब होता है भाग या टुकड़ा। खंड का मतलब नहीं होता है, खंड का मतलब क्या होता है? भाग या टुकड़ा। तो इस रेखा का भाग या टुकड़ा, इस रेखा का भाग या टुकड़ा वो क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। इसे रेखा का भाग या टुकड़ा जो है क्या कहलाता है? रेखा खंड। जैसे माना जिसमें दो बिंदु, दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, प्रारंभिक बिंदु भी और अंतिम बिंदु भी, या हम कहें कि रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे माना इस रेखा पर एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है? बी। तो ए और बीच की, ए और बी के बीच का जो भाग है या बीच की दूरी है वो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। यानी इस रेखा का ही एक टुकड़ा, रेखाखंड जो होता है उस रेखा का ही एक भाग होता है, अलग से नहीं होता। वो रेखाखंड है वो इस रेखा का ही एक भाग होता है, उसको हम, इसमें क्या होता है बस अंतर क्या रेखा में, इसमें कि रेखा में अंत बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु कोई फिक्स नहीं होता। इसमें दो बिंदु दोनों फिक्स होते हैं, ये प्रारंभिक बिंदु मान लो और अंत बिंदु मान लो। इधर से ये यहाँ एंड हो गया, इससे आगे नहीं होगा इसका भाग, और इधर इसका एंड हो गया, इधर से आगे नहीं होगा। तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी जो है या मध्य का भाग है वही क्या कहलाता है? रेखाखंड। क्या परिभाषा हो गई रेखाखंड की? किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो बिंदुओं के बीच का भाग ही रेखाखंड कहलाता है। कहलाता है। रेखाखंड की परिभाषा दे सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? अब उसके बाद में देखिए किरण। किरण क्या है बताओ? जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है कि ये बिंदु है साहब ए, ठीक है। जैसे सूर्य प्रकाश की किरण है, बोलते हैं नहीं प्रकाश की किरण क्यों बोलते हैं? प्रकाश का रेखाखंड क्यों नहीं बोलते उसको? प्रकाश की रेखा क्यों नहीं बोलते उसको बताओ? किरणें क्यों बोलते हो उसको? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें बोलते ही नहीं बोलते हैं? Yes, sir. वो क्यों बोलते हैं उसको? सूर्य से आने वाली प्रकाश की रेखा ही क्यों नहीं बोलते? सूर्य से आने वाले प्रकाश का रेखाखंड क्यों नहीं बोलते उसको? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि किरण में क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु वो निश्चित होता है और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, और एक ही दिशा में गमन करती है, किसी भी एक दिशा में, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक किसी एक दिशा में गमन करने वाली रेखा किरण कहलाती है, ठीक है ना। अब जैसे सूर्य से बात, सूर्य से प्रारंभ होकर कहती हूँ तो सूर्य से उसका क्या उद्गम स्थान हुआ, अग्नि हुआ, प्रारंभिक बिंदु कौन सा हुआ जहां से चालू होती है, वो कौन सा बिंदु हुआ? सूर्य। और फिर पृथ्वी तक आती है कि नहीं आती है? तो ऐसे में तो गई और निश्चित दिशा में, यानी पृथ्वी की तरफ आ रही, इसलिए वो किरण कहलाती। तो किसी भी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक किसी दिशा में अगर कोई रेखा गमन करे तो वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती। जिसका एक बिंदु निश्चित होता है प्रारंभिक, कौन सा बिंदु निश्चित होता है? प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, जबकि अंतिम बिंदु इसका निश्चित नहीं होता। समझ में आ गया किरण का? अब इसके बाद में देखिए
समरेख बिंदु, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख, संरेख का मतलब हो गया दो, हाँ बोलो, दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है। देखिए ये रेखा है, दो या उससे अधिक, दो से अधिक से, तीन या उससे अधिक मान लो, ठीक है, या दो से अधिक, दो नहीं होनी चाहिए, दो से अधिक, दो की बात नहीं कर रहे, संरेख बिंदु कितने से अधिक होने चाहिए? दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक, अधिक, दो से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो, जैसे ए बी सी, तीनों बिंदु कौन सी रेखा पर? एक ही रेखा पर स्थित है क्या? ए बी सी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित yes, है, एक रेखा पर स्थित है ना, तो yes, दो से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर, या कहें एक ही रेखा पर स्थित दो से अधिक बिंदु, ठीक है ना, संरेख बिंदु कह रहे, या कहते हैं हम कहें दूसरी भाषा में कहें कि दो से अधिक या तीन या उससे अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो, तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तो बिंदु कौन से कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। और संरेख बिंदु ये आवाज कौन कर रहा है भाई? असंरेख बिंदु, असंरेख का मतलब होता है कि तीन या उससे अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, क्या तीनों एक ही बिंदु रेखा पर स्थित है क्या? नहीं, नहीं है ना, ये दोनों तो एक रेखा पर हो सकते हैं लेकिन तीनों नहीं, ये ऊपर की तरफ, तो ऐसे बिंदु क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, संरेख और असंरेख बिंदु की पहचान हो गई आपको? संरेख कहेंगे ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों, एक ही रेखा पर स्थित हों, और ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित, लेकिन एक रेखा स्थित नहीं हो, कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए? तीन से अधिक, तीन, दो, दो से अधिक, हाँ तीन या कम से कम तीन, कम से कम पूछा ना मैंने, तो तीन या उससे अधिक या फिर दो से अधिक, दो से अधिक में तीन चार पांच कुछ भी आ गया तो सारा का सारा रहेगा, ठीक है ना, तो दो से अधिक बिंदु या तीन या उससे अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो संरेखीय बिंदु कहलाते हैं, और एक रेखा पर स्थित है तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। देखिए कौन, इसके बाद देखिए कौन, कौन के बारे में आप जानते होंगे सब लोग, पढ़ा भी होगा कौन के बारे में आपने? यस सर। एंगल, देखिए कौन किसे कहते हैं कि जब दो किरणें, किरण तो जानते हैं, किरण की परिभाषा बताई थी मैंने, एक बिंदु से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है वो किरण कहलाती है, तो दो किरणें जब एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, जैसे माना ये कोई अंत बिंदु है ए, यहां से दो किरणें, एक किरण इधर जा रही है और दूसरी किरण इधर जा रही है, जा रही है क्या? ये अंत में दोनों किरणों का देखिए, एक किरण ए बी है, ये किरण ए सी है, तो दोनों किरणों का अंत बिंदु कॉमन है क्या? यस सर, एक ही है ना, क्या है वो? ए, दोनों का अंत बिंदु क्या है हमारे? ए है, ए, एक ही अंत बिंदु से जब दो किरणें गुजर रही हो तो इस प्रकार बनी आकृति जो है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है, कोण, कोण है, कौन सा कोण कहलाती है? कोण कहलाती, ये किरणें जो है वो कोण की भुजाएं कहलाती है, कोण की भुजाएं, तो कोण में कितनी भुजा होती है? कितनी भुजा होगी कोण में? दो, अरे दो भुजा होगी ना, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, दो, दो भुजा नहीं हुई क्या कोण में?
और ये जो इनका अंत बिंदु है कॉमन, ये क्या कहलाता है? ये इसका शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है ये? शीर्ष। शीर्ष शीर्ष है ना। ये कोण की दोनों भुजाएं हो गई और ये कोण का शीर्ष हो गया दो अंत। परिभाषा क्या लिखेंगे? कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे? कि एक ही अंत बिंदु से जब दो किरणें गुजरती हो, एक ही अंत बिंदु से दो किरणें गुजरती, जब दो किरणें गुजरती हो, कोण कहलाता है। किरणों के जो बीच का जो दिखाव हो कोण कहते हैं। इस प्रकार बनिया करती कौन कोण कहते हैं। कोण में दो भुजाएं होती है, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, और ये जो अंत बिंदु इसका वो क्या कहलाता है? शीर्ष। शीर्ष क्या कहलाता है? शीर्ष। शीर्ष। अब कोणों के प्रकार देखो, कोणों के प्रकार देखिए, कोणों के प्रकार में आपने पढ़ा होगा पहले पिछले क्लासों में भी। यस सर। कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्ष समकोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण। ये बहुत सारी ऐसे परिभाषाएं हैं जो हमें इसमें पढ़ेंगे। फिलहाल अपन इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें न्यून कोण। न्यून कोण के बारे में आप क्या जानते हैं बताओ? देखिए, न्यून कोण के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? 90 डिग्री से अधिक कोण को, अधिक वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, कम हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, प्रारंभ हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, छोटा, मध्य हो। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण जो है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण। न्यून कोण। परिभाषाएं आपको लिखनी है खुद को, मैं केवल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। समकोण की हम बात करें तो 90 डिग्री, केवल 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण। समकोण 90 डिग्री से कम या ज्यादा के कोण को समकोण नहीं कहा। फिक्स 90 डिग्री का कोण है वो क्या कहलाता है? समकोण। समकोण। अधिक कोण, वह कोण जो इसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या? कम। कम यानी अधिक कोण, लेस देन यानी छोटा है किसे? 180 से, और ग्रेटर देन 90 यानी बड़ा है 90 से, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहा जाता है। सरल कोण, जिसको रिजु कोण भी बोलते हैं, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण जो है एक सरल रेखा ही तो बनती है। इसको सरल कोण क्यों कहा गया है? क्योंकि एक सरल रेखा के रूप में होता है, होता है ये। इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। यस सर। 180 डिग्री का कोण हो गया। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण जानते हैं? देखिए इसमें अधिक बताओ, 180 से अधिक, 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम। उसमें देखो क्या होता है, प्रतिवर्ती बनता कैसे, पहचान होगा कैसे, कौन से कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे ये कोण बना हुआ है, बना हुआ है ना, दिख रहा है आपको। अब इसमें ये वाला जो कोण है ना, ये तो जो साधारण अपना तरीका आता वो होता है, लेकिन अगर इसको रिवर्स मापे हम ऐसे, यहां से ये वाली माप, भाई ये भी तो भाग हो गया ना इसका, अरे ये भाग भी तो होता है कि नहीं होता है? यस सर।
तो ये वाला जो कोण है ये कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। यानी इधर वाला तो जो कोण अलग होगा, इसके विपरीत दिशा में ऐसे जो मापते हैं वो कहलाता है कौन सा कोण है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। और ये इसका मान जो होता है वो 360 से कम, प्रतिवर्ती कोण जो है लेस देन 360 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री। यानी ऐसा कोण जो 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा कोण हो वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे माना हम कहें कि साहब ये 60 डिग्री का कोण है तो प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा, ये टोटल कोण है, टोटल कोण 360 डिग्री का बनता है, इसमें से एक हटा दो तो कितना हो जाएगा 300। 360 से छोटा ही हुआ कि नहीं हुआ, 300 तो 360 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया सर। फिर इसके बाद पूरक कोण, पूरक कोणों का मतलब ऐसे दो कोण समकोण के बराबर हो जिनका योग समकोण है 90 डिग्री, समकोण के या समकोण के बराबर, 90 डिग्री का मतलब समकोण तो गया, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो वो क्या कहलाएंगे आपस में, समकोण, वो पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे दो कोण जिनका, जैसे माना एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा बताओ, एक कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण कितना होगा 30। अगर एक 75 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण क्या होगा 25। पूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं, अगर एक कोण दिया गया है और उसका पूरक कोण यदि आपको ज्ञात करना है तो 90 में से घटा दो, भाई दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है ना, तो 75 तो 90 माइनस 75 वही 15 आ गया। तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए कोण दिया गया है उसको 90 डिग्री के कोण मान में से माइनस कर, वो हो गया पूरक। और संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री, जिनका योग 180 डिग्री हो, कितना हो 180 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं। एक कोण दिया गया तो दूसरा ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसमें से वो कह रहा है एक कोण 120 डिग्री है इसका समपूरक कोण ज्ञात करो, तो क्या करेंगे दोनों का योग 180, तो 180 माइनस 120 तो कितना हो गया